ये रेल विकास निगम देखो आज 15% की तेजी है, 5 दिन पहले ये 37% से बढ़ा है और एक महीने में इसने 50% दे दिया। 50% मतलब पैसा जितना लगाया हुआ था उसमें से वो जितना लगाया उसमें से आधा मिल जाता। और ये देखो 6 महीने में 200% रिटर्न दिया है, ये 200% रिटर्न कम नहीं है और इसके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए 2024 के लिए कम से कम एक साल में ये 1000 जाता हुआ देखेगा। मिनिमम टारगेट है इसका 750, इसीलिए फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है इसके, ये होल्ड करे 2024 तक, कम से कम 2024 तक होल्ड करे, ये 750-800 तक जाता हुआ दिखेगा। और अगर लॉन्ग टर्म है तो ओपन टारगेट है 1000 भी जा सकता है और उससे भी आगे जा सकता है। इसीलिए RVNL बेचने की गलती मत ना करें। और बजट में भी इस पर चर्चा हो सकती है, रेलवे इंफ्रा इन सेक्टर पे। और दूसरे शेयर के लिए भी वीडियो देखते रहे और चैनल को सब